हनी सिंह? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट से। हनी की तबीयत खराब है, हनीज हेल्थ विल गेट बेटर। आई हैव हर्ड कि हनी इज कमिंग बैक इन द इंडस्ट्री, ही हैज डन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद पीपल। आई विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है हनी से, वो सब्जेक्ट काट दो। इनफैक्ट आखिरी बात जो हनी के लिए मैंने बोली थी तो डिशों, वो मैंने गाना भी नहीं लिखा था, वो रैप मेरा था ही नहीं। आप उसमें जाके लिरिक्स में देखोगे ना तो आप देख लेना कि मैंने नहीं लिखा था वो गाना। पर मेरे से बहुत बोला गया था कि इस गाने को इसलिए लिखा गया लाइन को क्योंकि मूवी में एक सीन है जहां पे वरुण धवन और जॉन एक गाड़ी में हैं और वो हनी का गाना बजाते हैं तो जॉन भाई रिएक्ट करते हैं, तो उस बात को लेके उस गाने में वो लाइन डाली गई थी। बट आई वॉज द परफेक्ट वन टू डिलीवर इट एज पर एवरीबडी, सो आई डिड इट एग्जैक्टली। मैं और बादशाह भाजी साथ में चिल करते हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह बातचीत होती रहती है, हमारा घर का थोड़ा रिश्ता है। सारे आर्टिस्ट, काफी आर्टिस्टों से जिससे भी मेरी बात है, सबसे मेरा अच्छा रिश्ता है, उनको मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मेरे को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो अब एग्जैक्टली सही बात है, अवाम को क्या प्रॉब्लम है इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, कुरेशी भाई ये तो वही जान सकते हैं। अंकुर दिख गया मेरे को बीच में, तू बादशाह भाई के साथ गाना तो गाने रेडी है भाई, गाने पड़े हुए हैं। आप लोगों की उम्मीद इतनी ज्यादा है कि हमको पता नहीं कि अब कौन सा गाना करा जाए, किस तरीके से क्या चीज निकाली जाए, बस इसलिए। हर्ष बग्गा, तब मैं इसलिए इतनी बातें करता था कि तब मैं तब का गुस्सा था जो आज से 5 साल पहले का था। काफी चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से हमारे बीच में टकरा रही, पर वो बात खत्म हो गई। मैंने लाइफ में तरक्की कर ली, उन्होंने कर ली, जो चीज आपस में आई मेरे को थोड़ा गुस्सा था निकल गया, फिर अंडरस्टैंड किया। और यार तुम क्या बोल रहे हो, एक 28 साल के बंदे को जब वो 22 साल का था उस टाइम की सोच के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? जब आप पैदा हुए थे तो आप पैंटों में सुसु करते थे, उसके बाद आपने सीखा कि टॉयलेट में करना होता है क्योंकि एज बड़ी हुई, आप मैच्योर हुए, इसलिए ना। तो पुरानी गलतियों को मत गिनाओ किसी की भी मेरे भाई, पुरानी गलतियां खदेड़नी होती तो मैं बहुत आर्टिस्टों को खदेड़ देता।